जी बिहार मनोज जी, मनोज जी आपके घोषणा पत्र बिहार के लिए वो पांच बड़ी बातें जो आप कहना चाह रहे हैं, रोजगार, समान काम के लिए समान वेतन, आशा कर्मी, जीविका, रसोईया, उनके वेतनमान में दुगुने से ज्यादा की वृद्धि, स्मार्ट गांव की परिकल्पना, शिक्षा में 22% बजट का खर्च। सर ये घोषणा पत्र नहीं है, ये प्रण हमारा है संकल्प के बदलाव के साथ जो कि सच होने वाला है। एक एक बिंदु जो आप देखेंगे उसके पीछे पूरी की पूरी एक बैकग्राउंड है पृष्ठभूमि कि हम कैसे करेंगे। साथियों, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे तेजस्वी जी ने स्पष्ट कर दिया, आज से 20वें 21वें दिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 10 लाख सरकारी नौकरी की, समान काम के समान वेतन, संविदा के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने के अलावा किसानों का जो भी ऋण है वो सब कंप्लीट मांग है। आज तक के जो ऋण होंगे उसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो अपने आप में अर्थव्यवस्था पे सरकार को बड़ी चिंता होती है, हमारी सरकार आते ही तेजस्वी जी के नेतृत्व में रिवेन्यू जनरेशन का विकास हुआ कि राजस्व इस प्रकार बढ़े, बिहार का मौजूदा बिजली दर इतनी कम हो जाएगी कि लोगों पर से जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा। हमारा ये भी कहना है कि जब मिथिला में जीआई बिहार को जीआई मिथिला और तमाम अलग अलग क्षेत्रों के जो वहां की चीजें हैं उसके आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लोग पहले आ पा रहे हैं। बिहार में शिक्षा बजट शायद पहली बार हम 22% करने वाले हैं, 22% राजकीय बजट में शिक्षा के बजट का हिस्सा होगा। उसके अलावा बिहार युवा आयोग के गठन पर बाकी आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, आशा कर्मी, रसोईया सबके बारे में जो अब तक बात हुई है कि दोगुना से ज्यादा किया जाएगा, गांव और शहर की सुविधाओं के फर्क को हम खत्म करके रख देंगे। और आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन योजना लाने को हम प्रतिबद्ध हैं, जैसे वित्त रहित महाविद्यालयों के बारे में बात की, वित्त रहित विद्यालयों के बारे में उनके कर्मचारियों की समस्या का निदान होगा, कंप्यूटर शिक्षा जो आंदोलन रहते हैं उनके उनकी समस्याओं का निदान करने उन्हें भी स्थायी किया जाएगा, संविदा नाम की कोई चीज नहीं होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।